بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.8 के 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि एक दो डिजिट का पॉजिटिव नंबर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसके डिजिट्स का स्क्वायर का जो सम है वो क्या है, वो 65 है और वो नंबर डिजिट्स के सम के 9 टाइम्स है, ठीक है। तो डिजिट्स का नंबर है इसलिए इसका एक जो डिजिट है वो पॉजिटिव यूनिट प्लेस पे होगा और दूसरा जो होगा वो 10th प्लेस पर होगा, ठीक है, दो डिजिट्स होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिख के कंडीशन नीचे उतार लेते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स, देन द 10th प्लेस डिजिट विल बी वाई। ये मैंने लिख लिया है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर वो किसके बराबर था, वो 65 के बराबर था। तो चलिए नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम, नंबर एक्स प्लस 10y। अब टू डिजिट्स का नंबर है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी कि पहली वाली जो है वो यूनिट प्लेस डिजिट है और दूसरा जो है वो 10th प्लेस पर है, इसलिए उसकी 10th टाइम्स वैल्यू हो जाएगी। ये मैंने लिख लिया है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन नंबर क्या था हमारे पास, 9 टाइम्स था सम ऑफ इट्स डिजिट्स का, ठीक है, ये मैंने लिख लिया है नंबर 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या बनना था, एक्स प्लस 10y, ठीक है, ये 9 टाइम्स उसके साथ होगा तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 9x प्लस 9y। अब मैं क्या करती हूँ, जो y की वैल्यूज है उन्हें एक तरफ करके x की वैल्यू को एक तरफ कर देती हूँ, तो यहाँ 10y को रख के 9y को यहाँ पे ले आऊँगी तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 9x रखूँगी तो x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y और यहाँ पे आ जाएगा 8x, ठीक है, और इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू जो है जो हमारी निकली है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया है पुट y इक्वल्स टू 8x, यानी इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 65, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब इसके अंदर हम y की वैल्यू को पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है मेरे पास आई हुई 8x और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 65 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 8 जा 64 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 65, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 65 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 65, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 65 पे को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लूँगी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, 1। अब ये स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, तो इसके स्क्वायर को हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स पे। ये मैंने लिख लिया है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब मैं इधर स्क्वायर बना लेती हूँ, एक्स स्क्वायर को भी रूट में लिख लेती हूँ और 1 को भी रूट में लिख लेती हूँ, तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया एक्स और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई है एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और दूसरी कौन सी आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पॉजिटिव नंबर है इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, यहाँ मैंने लिख लिया है नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, देन नाउ पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। अब हमने एक्स की वैल्यू 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देनी है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वाई इज इक्वल्स टू
एट एक्स थी हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं वन, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू एट इंटू वन, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आ गई, एट। नंबर क्या आ गया हमारे पास, x प्लस टेन वाई, ठीक है। इसके अंदर अब हम x और y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू थी 1 और y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 8। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन एट ज़ा 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 81। तो रिक्वायर्ड नंबर हमें क्या हासिल हो गया वो लिख लेती हूँ यहाँ पे, द रिक्वायर्ड नंबर इज 81, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें हमें कहा गया है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। जिन कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो 9 है और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स का जो स्क्वायर है वो 45 आ जाता है, ठीक है। तो हमने वो कोऑर्डिनेट्स के वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, तो सॉल्यूशन लिख के मैं स्टेटमेंट नीचे उतार लेती हूँ। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी एक्स एंड वाई, और सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या है, 9, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है, अब हम नीचे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो लिख लेते हैं x प्लस वाई, वो किसके बराबर है, 9 के बराबर, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन हम देखें उन्होंने क्या कहा है कि उनके कोऑर्डिनेट्स का जो स्क्वायर का सम है वो किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45, ठीक है। और इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव y की, अगर हम यहाँ रखेंगे तो x दूसरी तरफ जाके जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स आ गया। तो इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का नाम, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो हमें y की वैल्यू मिली है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ पुट y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 2 नीचे उतारती हूँ जो कि है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 45, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 9 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो वो मैं लिख लेती हूँ ब्रैकेट लगा के फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू देन सेकेंड वैल्यू और प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। अब मैं इसे खोलती हूँ x स्क्वायर प्लस 9 9 81, ठीक है, और माइनस 2 9 18x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। अब ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर मिलके हो जाता है 2x स्क्वायर, वो मैंने यहाँ लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस 18x आ गया प्लस 81 माइनस 45, ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं लिख लेती हूँ 2x स्क्वायर माइनस 18x, और इसमें से माइनस कर लेते हैं 81 को 45 में से, तो ये आ जाता है मेरे पास 36, ठीक है, प्लस 36 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2 के साथ दोनों तरफ जो है वो डिवाइड कर लेते हैं इस तमाम इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 18x बाय 2 प्लस 36 बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 बाय 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा
और 2 1s are 2, 2 8s are 16, 18 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब आगे हमारे पास क्या आ जाती है वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 और इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, अब क्या करते हैं इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 18 को अगर हम देखें तो 6 3s are 18 होता है, तो इस तरह अगर 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाता है, ठीक है। तो लिहाजा हमारे पास 6 और 3 जो है वो इसकी मिड टर्म के दो फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x प्लस 18 इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ग्रुप बना लेती हूँ यहाँ पे, एक पेयर ये हो गया माइनस 6x प्लस 18 इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है जी। आगे चलूँ तो यहाँ पे से x कॉमन ले लेती हूँ, तो x माइनस 3 आ गया, माइनस के साथ 6 कॉमन बाहर लिया तो अंदर साइन चेंज होके एक्स माइनस 3 आ जाता है एंड इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे पेयर बना लेती हूँ एक्स माइनस 3 का 1 और दूसरा है एक्स माइनस 6 एंड इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इन्हें अलग अलग कर लेती हूँ, यहाँ पे एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो 1 हो गया और दूसरा आ गया एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आगे चलूँ तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब क्या करते हैं इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस x, ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करूँ, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई वैल्यू। इधर भी हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ पुट x इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। तो यहाँ पे पुट करती हूँ y इज इक्वल्स टू इक्वेशन के जो थी हमारी थर्ड वो पहले लिख के और फिर इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करूँगी 9 माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या है, वो मैं यहाँ लिखती हूँ। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, इस तरफ देखें तो 3 और x, 3 और 6 आ गया और दूसरे क्या आया हमारे पास 6 और 3, ये हमारे पास रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें हमें कहा गया है फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 9 एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स इज आल्सो 9, ठीक है। यानी टू इंटीजर्स हमने फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 9 है और उनके जो स्क्वायर्स का फर्क है वो भी 9 है, ठीक है। तो चले सोल्यूशन लिख के स्टेटमेंट नीचे उतार लेती हूँ मैं। ये मैंने सोल्यूशन लिख के कंडीशन नीचे उतार ली है कि लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी एक्स और सम उन इंटीजर्स का क्या था, 9 था, ठीक है। वो मैंने यहाँ लिख लिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन को जहन में रखते हुए। अब इसमें से हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे सम बना के एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। और क्या करते हैं इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिख के स्टेटमेंट नीचे उतार ली है। लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी एक्स एंड वाई, तो सम उनका इंटीजर्स का क्या था, 9 उन्होंने लिखा हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन इन जो इंटीजर्स था इनका सम जो था वो 9 था, तो मैंने एक्स प्लस वाई के साथ 9 को लिख दिया है और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स क्या था, वो भी 9 था। तो इन इंटीजर्स का स्क्वायर, ये थे इंटीजर्स और इनका स्क्वायर अगर हम निकालें तो डिफरेंस है निकाला हुआ, इसलिए माइनस आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। और इसे भी हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में से वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम
इक्वेशन वन वी हैव, क्या थी हमारे पास इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन। वाई यहाँ पे लिखेंगे, एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा नाइन माइनस एक्स, ठीक है जी। और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री का नाम। अब हम क्या करते हैं, इस वाई की वैल्यू को जो है वो हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर लेते हैं। ये मैंने लिख लिया है, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर टू ये थी, तो वो मैं नीचे उतार लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन। अब इसके अंदर वाई की वैल्यू पुट करूँगी, तो माइनस साइन लगा के लिख लेते हैं, वाई की वैल्यू नाइन माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन, ठीक है। अब ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और चूंकि माइनस का साइन बाहर है इसलिए अंदर हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस टू इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इक्वल्स टू नाइन लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया और अब इसको ब्रैकेट में रहने दिया है, ठीक है, ताकि हमारा जो है वो साइन बाहर के चेंज है, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 81 प्लस 18x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू नाइन। ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 18x, ठीक है। और ये 81 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 9 प्लस 81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 18x इज इक्वल्स टू 81 में 9 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनी, 19 बाय 18, ठीक है। तो 18 हो जाता है 5 90, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। अब हम इस x की वैल्यू को जो है वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर लेते हैं ताकि हमें वहाँ से y की वैल्यू हासिल हो जाए। पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 मैं नीचे उतार लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और वो है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एस एक्स। तो अब इसमें x की वैल्यू पुट करूँ, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं वो क्या है, 5 और 4 आ गए हैं और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें हमें कहा गया है, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि टू इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका फ़र्क 4 है और जिनके स्क्वायर्स का जो फ़र्क है वो 72 है। तो चलिए सोल्यूशन लिख के स्टेटमेंट नीचे उतार लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी एक्स एंड वाई, और उनका डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ऑफ द इंटीजर्स का क्या आया था, 4। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को जहन में रख के मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ लिख लेती हूँ फर्स्ट कंडीशन को जहन में रख के कि एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, 4 के बराबर, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन उन्होंने क्या कहा था कि उनके जो स्क्वायर्स का डिफरेंस था वो 72 था। तो ये मैंने लिख लिया है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 72। तो स्क्वायर था इसलिए इनका जो इंटीजर्स को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 72। और इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, ये मैंने लिख लिया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वी हैव एक्स, क्या थी हमारे पास, एक्स यहाँ पे रख देंगे अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगी 4 और वाई दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का नाम, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू यहाँ निकल आई है। अब क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ये मैंने लिख लिया है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 नीचे उतारती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72। एक्स की वैल्यू पुट करती हूँ, 4 प्लस वाई
और इसको स्क्वायर में लिख के माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72। आगे चलते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सॉरी वाई है सेकेंड नंबर, और प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 72। तो ये हो जाता है 4 4 16 प्लस 2 4 8 वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72। तो यहाँ पे देखें तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे 16 को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल रह जाएगा 8y इज इक्वल्स टू 72 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 8y इधर लिख देती हूँ और 72 में 16 जाएंगे तो 56 आ जाएगा हमारे पास। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 56 बाय 8। ठीक है, तो ये कट जाएगा 8 7 56, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को हम जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं ताकि हमारे x की वैल्यू मिल जाए। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ ये मैंने लिख लिया है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है मेरे पास, वो लिखती हूँ x इज इक्वल टू 4 प्लस y। अब y की वैल्यू पुट करते हैं 4 प्लस 7, तो क्या आ गया हमारे पास 4 प्लस 7 11 हो गया। तो हमारे पास रिक्वायर इंटीजर्स कौन से हो गए, 11 और 7, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इसमें हमें कहा गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमें इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि एक एंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी उसकी लेंथ और विड्थ, जबकि उसका पेरीमीटर जो है वो 80 सेंटीमीटर है और उसका एरिया जो है वो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए सोल्यूशन लिख के स्टेटमेंट नीचे उतार लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड इट्स विड्थ जो है वो वाई है, ये हमने लिख लिया है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हम देखें कि उसका जो पेरीमीटर था वो कितना था, 80 सेंटीमीटर था। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 80 सेंटीमीटर दिया गया था हमें, तो पेरीमीटर क्या इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का, वो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, ये रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, वो यहाँ हम लिख लेते हैं। 2 लेंथ क्या थी इसके पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास x और विड्थ थी y। ठीक है, और पेरीमीटर क्या था 80। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 80 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे हम करेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 80 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखेंगे 240 जा 80 होता है, x प्लस वाई हमारा 40 के बराबर आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन देखें हम कि उसमें हमें कहा गया था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या था, 375 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हमें गिवन था, 375 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, ये हमारे पास है, तो अब हमारे पास लेंथ एक्स है और विड्थ वाई है। ठीक है, और एरिया क्या हमें दिया गया है, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया गया है, तो इसको अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव y की वैल्यू क्या निकलेगी, y आ रहा तो
x दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा 40 के साथ, ठीक है। और इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का नाम, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं ताकि हमें वहाँ से वैल्यू मिल जाए दूसरी वाली, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू 375 थी, ठीक है। तो x यहाँ लिख के तो y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, x यहाँ रख के 40 माइनस x पुट कर देते हैं, y की वैल्यू इज इक्वल्स टू 375 हो गया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाता है 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 375। हम इसे पहले पॉजिटिव कर लेते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू को, तो एक्स स्क्वायर वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 40x हो जाएगा वहाँ पे जाके, और ये यही मौजूद रहा, तो ये हो जाएगा प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ गई है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसके फैक्टर्स बनाते हैं हम, 375 के फैक्टर्स बनाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले 3 से लेके जाएंगे, 3 वन ज़ा 3, 7 है, 3 टू ज़ा 6, 1 बचा 3, 5 ज़ा 15। अब इसको 5 से लेके जाएंगे, 5 टू ज़ा 10, 2 बचा 5, 5 ज़ा 25। और उसके बाद जो है हम 25 से लेके जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये देखिए मुकम्मल हो जाएगा, तो इधर हमारा क्रॉस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी 3 5 15। 15 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 375। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 15 को 25 से लिखा तो हमारे पास आ जाता है 375, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम करें कि माइनस 15 और माइनस 25 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 40 आ जाता है माइनस साइन के साथ, ठीक है जी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे मुकम्मल प्रोसीजर लिख दिया है। अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अब लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 15x प्लस 375 इट इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पेयर बनाने लगी हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 25x का एक पेयर माइनस 15x प्लस 375 का दूसरा पेयर इट इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आगे इसमें से कॉमन निकालती हूँ x, तो अंदर रह जाएगा x माइनस 25, यहाँ पे माइनस साइन लगा के 15 बाहर लिखा तो अंदर आ जाता है x, और साइन चेंज हो जाता है, अंदर वाला 25 आ गया, इट इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। अब इसके पेयर बना लेती हूँ, x माइनस 25 का एक हो गया और दूसरा हो गया x माइनस 15 का, और इट इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनको अलग कर लेती हूँ, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 एक हो जाएगा, और x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 दूसरा हो गया, यहाँ पे हो गया x इज इक्वल्स टू 25 आ गया, और यहाँ x इज इक्वल्स टू 15 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन x की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ताकि y की वैल्यूज़ मिल जाए। तो यहाँ लिख लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम x की वैल्यू डालेंगे, y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 15। अब इसी तरह यहाँ पे हम x की वैल्यू 15 भी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने लगे हैं, ठीक है जी। तो लिख लेती हूँ इक्वेशन 3, 40 माइनस एक्स, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यूज डाल लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 15, तो यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है। जो रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं वो हमारे पास क्या आ गई, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। यहाँ देखिए तो 25 और 15 आ गया, 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, और दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास आ जाता है 15 और 25,
तो यहाँ लिख लेती हूँ 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।